नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए वीकली फोरकास्ट, बेस होगा इंडियन एस्ट्रोलॉजी, भारतीय ज्योतिष शास्त्र, बेस होगा आपकी चंद्र राशि, बेस होगा आपका मून साइन। वीक कमेंसिंग है 20 मई से लेके 26 मई तक, ये पूरे वीक का वीकली फोरकास्ट, लेकिन इसका बेस है आपकी चंद्र राशि। इस वीकली फोरकास्ट का कोई लेना देना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के साथ नहीं है, इस वीकली फोरकास्ट का कोई लेना देना सन साइन के साथ नहीं है, जो आप देखते रहते हैं। इस डेट से इस डेट तक आप एरीज होगे, इस डेट से इस डेट तक आप टॉरस होगे, उस तरह से ये एप्लीकेबल ना हो पाएगा। आपको अपनी चंद्र राशि, अपना मून साइन पता करना पड़ेगा अपने बर्थ चार्ट के मुताबिक। बर्थ चार्ट आप निकालिए, उसमें से आप एक सेकंड में पता चलेगा कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है, तब आप इस वीकली फोरकास्ट को फॉलो करें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक या सन साइन के मुताबिक। इस वीकली फोरकास्ट को ना देखा जाए, इसका सन साइन से कोई लेना देना नहीं। आप वीकली फोरकास्ट देखना चाहते हैं मून साइन चंद्र राशि से देखें तो आप पे एप्लीकेबल होगा। अगर आप अपने हॉरोस्कोप की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें आपके हॉरोस्कोप की पूरी रिपोर्ट, सारे उपाय, सारी प्रिकॉशंस और सारी मंत्र साधना आप लेना चाहते हैं, तो आप जो नीचे दिया जा रहा लिंक है हमारी वेबसाइट का, उस लिंक को दबाएं और वेबसाइट पे जाके सब्सक्रिप्शन टैब को दबाना होगा। तो सब्सक्रिप्शन टैब दबाने के बाद आप सब्सक्रिप्शन प्लान आपके सामने होंगे। जो सब्सक्रिप्शन प्लान आप लेना चाहते हैं उसको आप हासिल करें और उसके बाद उस सब्सक्रिप्शन प्लान के मुताबिक भी वीडियोस को एंजॉय करें। जो भी आपके पैकेज में है उसमें पूरे वीडियो के मुताबिक फोरकास्ट और रिपोर्ट आपको मिलेगी। धन्यवाद। सैजिटेरियस के लिए वीकली कंक्लूजन, वीकली कंक्लूजन सैजिटेरियस के लिए, ये आने वाला वीक इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे, फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, रनिंग अराउंड आपकी बहुत होगी, भाग दौड़ बहुत होगी, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होगी, ओवर एक्साइटेशन भी बहुत होगी, मन में गुस्सा भी बड़ा होगा, बहुत कुछ करना भी चाहेंगे। और इस समय गलत किस्म के व्यवहार से बचें, टेंपर लूज ना करें, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें। पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर झगड़ा नहीं चाहिए, अगर झगड़ा हो गया तो बर्बादी हो जाएगी। आपको कोशिश करनी है पर्सनल रिलेशनशिप में और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में किसी भी ज्वाइंट वेंचर में झगड़ा नहीं चाहिए। व्यवहार सीमित रखे, कंट्रोल में रखे, जुबान खोलने से पहले विचार कर ले कहना क्या है, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे और इतनी बड़ी झगड़ा शुरू हो जाएगा कि जो कुछ आप करके बैठे हुए हैं सब खराब हो जाएगा। चॉइस आपकी है, जुबान कंट्रोल में रखे। बहुत बड़ा खर्च तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो, खर्च को भी कम करें। हायर अथॉरिटी को सम्मान करें, उनकी अप्रिशिएट करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, जो भी मुंह में आया वो मत बोलते जाएं। फ्रस्ट्रेशन दुनिया भर की अपने काम पे ना निकालें, घर वालों पे ना निकालें प्लीज। नमस्कार, आप अपनी सब्सक्रिप्शन को चेंज करना चाहेंगे पेड सब्सक्रिप्शन के अंदर, जिसपे अगर आप पेड सब्सक्राइबर बनते हैं तो आप इंजॉय करेंगे 52 साप्ताहिक भविष्य, जो साप्ताहिक भविष्य फोरकास्ट आपके साथ दिया जाता है, जो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और हर वीक का जो वीकली फोरकास्ट साप्ताहिक भविष्य होता है उसके अंदर उपाय क्या होते हैं, क्या परहेजगारी क्या होती है और क्या मंत्र साधना करनी चाहती है, और पूरा जो वीक का डिटेल्ड फोरकास्ट आपके लिए क्या होगा, हर वीक का 52 के 52 हफ्तों का वीकली फोरकास्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा। और हर वीकली फोरकास्ट की जो रिपोर्ट बनती है वो 500 शब्दों से ज़्यादा होती है, और हर वीडियो जो वीकली फोरकास्ट की होती है वो 4 मिनट के करीब होती है, 4 मिनट से ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। 12 मंथली फोरकास्ट होते हैं हर महीने का, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक। हर मासिक भविष्य इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और बहुत हॉरर प्रोडक्शन की गई है हर एक मून साइन के मुताबिक, उसके पूरे मास का बहुत उसका फोरकास्ट क्या होगा, उपाय क्या होंगे, प्रिकॉशंस क्या होंगी, मंत्र साधना हर एक मून साइन के बारे में क्या दी जाएगी, और साथ में ईयरली फोरकास्ट पूरे साल का जो भविष्य वो भी शेयर किया जाएगा। मंथली फोरकास्ट की जो रिपोर्ट बनती है वो 1000 शब्दों से ज़्यादा होती है, और मंथली फोरकास्ट की जो वीडियो होती है वो अराउंड 6 मिनट से ज़्यादा होती है। इसी तरह जो ईयरली फोरकास्ट, जो वार्षिक भविष्य होता है, वो हिंदी में भी आपको लिए उपलब्ध किया जाएगा और इंग्लिश में भी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा आपको। और उसमें वार्षिक भविष्य के अंदर जो फोरकास्ट किया जाता है उसमें पूरे साल की प्रेडिक्शन होती है।
सभी ग्रहों के गोचर होते हैं आमतौर पे, शनि बृहस्पति राहु केतु का गोचर होता है और उसमें सभी ग्रहों के, इन ग्रहों के आप पे क्या फल घटित होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बखान किए जाते हैं, क्या उपाय आपको करने चाहिए अगर नेगेटिव हो, कौन सी मंत्र साधना आपको को लेनी होगी बृहस्पति से को लेके, शनि को लेके, राहु केतु को लेके, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी पूरे साल के अंदर, आपकी पढ़ाई लिखाई अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन करियर कैसा होगा, आपकी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपका इश्क, आपका रोमांस, आपकी रिलेशनशिप कैसे कैसे हाल होंगे, आपके कारोबार के अंदर क्या तरक्की होगी, आपका बिजनेस कैसा होगा, आपकी जॉब के हालात क्या होंगे, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके हालात क्या होंगे, आपकी पूरे साल की उपलब्धियां क्या होंगी, इस पूरे आने वाले साल के अंदर क्या दुश्वारियों को फेस करना पड़ेगा, कौन सी मुश्किलें आपके सामने आएंगी, इस पूरे साल की उपाय पद्धति क्या होंगी, क्या कौन से उपाय आपको करने चाहिए, कौन से रेमेडीज आपको फॉलो करने चाहिए, इस पूरे साल के अंदर कौन से परहेज आपको करने चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना होगा, इस पूरे साल की मंत्र साधना कौन सी है, मेडिसिनल क्योर यानी अगर कोई विपता आ गई उससे जूझना कैसे करना है, किसी भी तरह की विपताएं हो, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो उससे कैसे जूझना है, या ऐसी मंत्र साधना जो आपको सिरमौर बनाए, जो आपको बहुत हाईएस्ट अचीवमेंट दिलवाए वो कौन सी होगी, ये सभी जो ड्यूरेशन है ईयरली फोरकास्ट की जो रिपोर्ट होती है वो आमतौर पर 7000 शब्दों से ज़्यादा होती है, यानी 7000 वर्ड से ज़्यादा होती है, 7000 शब्दों से ज़्यादा होती है, ईयरली फोरकास्ट की जो वीडियो होता है हमारा वो 90 मिनट से कम नहीं होता, अराउंड 90 मिनट्स के बराबर होता है, और अगर आप पेड सब्सक्राइबर बनते हैं तो आपके साथ शेयर किए जाएंगे 52 वीकली फोरकास्ट, आपके साथ शेयर किए जाएंगे 12 मंथली फोरकास्ट यानी 12 मासिक जो भविष्य होता है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, एक पूरी डिटेल रिपोर्ट जो पूरे साल का भविष्य आपके साथ शेयर किया जाता है, यानी 65 रिटर्न रिपोर्ट्स होती हैं और 65 या वीडियोस आपके साथ शेयर की जाती हैं अगर आप पेड सब्सक्राइबर बने, तो फिर देर किस बात की है, जाएं आप चूज कर लें। धन्यवाद, बहुत जल्द मिलूंगा एक नई रिपोर्ट के साथ, थैंक यू।